asking. Right. डॉक्टर रियाज अहमद साहब वर्जिश ऐसे तो डेंगी डॉक्टर अब्दुल मीर साहब जो कि सिविल सोसाइटी के सरबरा हैं हाजी गुलाम हसन वकील साहब और इसके साथ साथ वर्दी बी डी ओ रोहामा अब्दुल रशीद शेख साहब का बहुत ही मशहूर पिछले कई सालों से हजीपुरा तरक्की की रहकर गामजन है और इन सालों में आप अपने काम कर रहे हैं। आपको जरात का मसला है, आपको हेल्थ का मसला है, आपको कोई भी मसला है, चाहे बागबानी हो, चाहे जरात हो, चाहे सोशल क्या नाम है इसका सोशल डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो या और कोई बाथरूम हो, हम सबको मिलकर आगे बढ़ने चाहिए ताकि हम इस मुल्क को, इस रियासत को, इस गांव को, इस इलाके को, इस रियासत को आगे ले जाकर यहाँ के लोगों को वो दे सके जिन जिन जिसको वो उम्मीद करते हैं। बाकी वसलम डॉक्टर शिडर साहब असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष डॉक्टर रियाज साहब डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर एस एच ओ डंगी वजह इरफान साहब इंचार्ज पुलिस पोस्ट बदरगाम बिलाल साहब हाजी साहब बाकी जितने भी मौजूद अशखास जो आस पास विलेज है उनसे आए आप सबका न्याय की मशहूर ममनों ने आप लोग अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं पूरे इस रुफियाबाद जो लाहौर बेल्ट है जिसमें आसपास 10 या 12 विलेजेस है और सबसे रुफियाबाद की 65% जो पॉपुलेशन है वो जो नेशनल हाईवे बारामूला है इसके दाएं तरफ जो इतिहास पढ़ते हैं ये अराउंड 65% कवर करता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक इसमें इस तरह की कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं हो पाई थी। इसमें इसके बहुत सारी कुछ रीजंस है, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा। ये चीज और टाइम को मद्देनजर रखते हुए भी ये चीज कि आपका न्याय थी मशहूर मनु उनसे भी मेरा मिलना जुलना हुआ था नहीं मतलब इस मामले में 2021 में आपने सबसे पहले फाइल सबमिट की थी इसके बारे में। उसके बाद कंटिन्यूसली मैं अपना नहीं कहूंगा मेरा सारा कुछ योगदान है इसमें। ये चीज पूरे जितने भी यहाँ की ये पब्लिक है ये चीज हर कोई इसमें बड़ा कंसर्न था। मुझे कोई टेलीफोन कर रहा था, कोई मुझे प्रश्न कर रहा था आता था या कोई इस यदीपोरा लोरियामा और रेपन उनकी डिमांड भी थी कि यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि आपके यहाँ पे ये जो आयुष का सेंटर खुला है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे सारे बैठे हुए लोग और
इससे बाहर भी जो हमारे जवान हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा मैं तादाद देख रहा हूँ बुजुर्ग हमारे यहाँ पे है, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे जवान हैं, खासकर नौजवान हैं, वो ये समझे कि ये जो है ये असासा है और इसकी रखवाली कर रहा है, ये उनका फर्ज है, और ये इस चीज को बखूबी अंजाम देंगे। दे विल मेक श्योर दैट नो काइंड ऑफ हार्म इज डन टू दिस इंस्टीट्यूशन, ये जो एसेट है हमारे लिए। और मैं एक्सपेक्टेशंस बहुत है, आपको भी है, हमसे है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन आप ये भी कंसिडर करें कि हमें भी आपसे एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस जो कि जेन्युइन हो, जायज हो, और जिससे कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होने के बाद ये इंश्योर हो कि वो प्रोटेक्टेड रहे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, या पुलिस इंस्टीट्यूशंस है, या और भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारे इलाके में किसी न किसी तरीके से कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। बहुत ही शुक्रिया आपका, इंतजामिया का, यहाँ के लोगों का, और मज़द हाजरीन, वाकई ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आयुष सेंटर खुलने में आप लोग इतना आप लोगों का एंथुसियाज्म है, आप लोगों को इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पे जो पहले ही 40 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, एक उसमें और बढ़ गया है। आपका ये जो आयुष यहाँ पे सेंटर खुला है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नेशनल आयुष मिशन के तहत सैंक्शन हुआ है, मतलब डायरेक्टली ये इसका कंसर्न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, हमारे जो नेशनल आयुष मिशन की स्कीम है उसके अंडर में ये यहाँ पे खुला है। इसलिए इंशाल्लाह इसमें आगे तरक्की ही होगी, कमी नहीं होगी किसी चीज की। डेंगी बच्चा मिस्टर खालिद, डॉक्टर हफीजुर रहमान, मैं यहाँ देख रहा हूँ डॉक्टर तारिक राही, डॉक्टर गुलाम हसन परे, और यहाँ के जीवकार और जीजत शहरी, और ख़ासकर यहाँ का सिटीजन फोरम मुरैयाबाद का। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने, हर एक ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके इस मुकाम पे इसको लाया कि हम आज इसको इनॉग्रेट कर पाए। जहाँ तक हमारे डायरेक्ट्रेट का ताल्लुक है, हमारे डायरेक्ट्रेट में एक स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिसको हम बोलते हैं, जैसे रिया साहब ने कहा कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल आयुष मिशन। मुझे याद है कि 2022 में मैं डायरेक्टर साहब के साथ दिल्ली में था, तो हमें एक साल का वो प्रोग्राम पूरा देना पड़ता है वहाँ पे कि हमें इस साल में क्या क्या काम करने हैं। अब हमारे डायरेक्टर साहब और मैंने वहाँ पे एक पॉइंट उठाया कि जो सेंटर्स हैं वो तो हैं, उनको हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारी डिमांड्स कहीं से लोगों से आती है कि नए सेंटर आप खोले जाए। अब सेक्रेटरी साहब जो थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, उन्होंने बोला कि अगर आपके नॉलेज में कोई है ऐसी जगह तो हमें लिख के दो, वहीं कागज़ पर लिख के दो। हमें जबानी जबानी 2-4-5 सेंटर जो याद आए, तो हमने लिख के दे दिया उनको, बोला कि सर इनको सेंक्शन कर दीजिए, ये नई डिस्पेंसरीज आप इनको सेंक्शन कर दीजिए। जब हम बाहर निकल रहे थे वहाँ से, तो मुझे याद है मुझे शायद इनका फ़ोन आया, खुदा का करना था, ये एक इनका फ़ोन आया, और कुछ देर के बाद जो हमीद नसीम रफियाबादी उनका भी फ़ोन आया कि सर हमने आपके रफियाबाद की बात ये की थी, इसकी बात की थी, क्या नाम है इस गांव का, हदीपुरा की बात की थी। मैं एकदम पीछे दौड़ा और मैं डायरेक्टर साहब को बोला कि सर एक मिनट वापस समझाते हैं सेक्रेटरी साहब के पास। हम वापस दौड़े, कटोचा साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, हम वापस गए, हमने कहा सर एक नाम हमें इसमें मिस हो गया। बोला कौन सा? हमने लिखा कि विलेज हदीपुरा रफियाबाद। और खुदा का करना ये है कि जब वो लिस्ट वहाँ से अप्रूव होकर आ गई, तीसरे नंबर पर हदीपुरा रफियाबाद, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमने लास्ट लिखा था वो, लेकिन वहाँ से अप्रूव होकर हदीपुरा रफियाबाद भी आ गया। अब क्या हुआ कि हम कोशिश कर रहे थे कि इस सेंटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सेंक्शन हो, इसकी दवाइयाँ भी सेंक्शन हो, इसका स्टाफ भी सेंक्शन हो, लेकिन फिर अल्टीमेटली चूंकि आपका जो सिटीजन फोरम है, मैं इनका काफ़ी मशहूर हूँ, और मैं मतलब आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों के ऐसे लोग आपके सामने हैं जो हर जगह हर वक्त हर दफ़ा मुझे भी फ़ोन, डायरेक्टर साहब को भी फ़ोन, सेक्रेटरी साहब के भी जवाब जाते थे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, इस बिल्डिंग को शिफ्ट कराया। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इस टाइप के लोग आपके रैबर हैं और ये आप लोगों का केस आगे प्रोजेक्ट करते हैं। तो
उसके बाद हमने, अब ये बार बार हमारे पास आते रहे, हमने डॉक्टर रियाज साहब से, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं बारामूला के, हमने उनसे गुजारिश की कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है जब तक स्टाफ इसका